तो हे गाइस, फाइनली अभी का टाइम पे हमारा गेम के अंदर मैजिक क्यू फ्रेगमेंट सेक्शन पे ग्लिच चल रहा है। जी हाँ गाइस, तुम लोगों ने सही सुना है। एंड तुम सभी लोगों को तो ये बात पता ही है, मैजिक क्यू फ्रेगमेंट से होता क्या है। बेसिकली मैजिक क्यू फ्रेगमेंट से हम लोगों को मैजिक क्यूब मिलता है, एंड उस मैजिक क्यूब से हम लोगों को बांडिल मिलता है। यहाँ पर साफ साफ देख पा रहे हो, बहुत ही अच्छा अच्छा बांडिल वगैरह दिया जा रहा है। कोई भी डायमंड वगैरह नहीं लगेगा, कोई भी कॉइन वगैरह नहीं लगेगा, बस इस मैजिक क्यूब के थ्रू यहाँ पर बहुत ही अच्छा अच्छा बांडिल दिया जा रहा है। एंड हमारा गेम के अंदर मैजिक क्यूब स्टोर भी अपडेट होने वाला है 2-3 दिन के बाद। उसके अंदर ब्रेक डांसर बांडिल वगैरह आने वाला है। सो अभी मैं तुम लोगों को बताऊंगा किस तरीके से ये वाला जो मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट है कलेक्ट कर सकते हो। मैंने भी 100 कलेक्ट किया है बस अभी बैठे बैठे। सो अभी मैं तुम लोगों को लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा किस तरीके से मैंने कलेक्ट किया है, एंड तुम लोग भी किस तरीके से कलेक्ट करोगे। सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है गाइज, वीडियो को पूरा एंड तक देखना। एंड उससे पहले तुम लोगों से मेरा एक छोटी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करना। बहुत ज़्यादा मेहनत लगा वीडियो बनाने के लिए, सो ज़रूर लाइक कर देना। एंड चैनल पे न्यू हो तो जरूर करना सब्सक्राइब। गाइस फास्ट फॉल में तुम सभी लोगों को एक चीज़ में क्लियर कर दूँ, वीडियो को पूरा एंड तक देखना, स्किप करके मत देखना। एंड अभी मैं तुम लोगों को बताऊंगा किस तरीके से अनलिमिटेड मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट ले सकते हो, वो भी ग्लिच का सहारा लेके। बेसिकली ग्लिच कितने टाइम तक वर्क करेगा मुझे पता नहीं, जब तुम लोग वीडियो देख रहे हो तुरंत जाके तुम लोग ग्लिच का इस्तेमाल कर लेना। एंड अभी मैं तुम लोगों को जेन्युइन तरीका भी बताने वाला हूँ। जो लोग इस वीडियो को बाद में देखोगे ग्लिच वगैरह नहीं हो रहा है, तभी तुम सभी लोगों के लिए ये काम आने वाला है, तभी बेसिकली ग्लिच भी बोल सकते हो, तभी तुम लोगों को बहुत सारा मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट मिलने वाला है। अभी मैं तुम लोगों को बताऊंगा। एंड गाइज एक चीज मैं तुम लोगों को क्लियर कर दूं, ये जो ग्लिच है ग्लिच तगड़ा ग्लिच हो रहा है। बेसिकली हमारा गेम के अंदर अभी के टाइम पे भुया पास डिस्काउंट आया था, तुम सभी लोगों को पता है। एंड मैंने भी भुया पास खरीद लिया है, ठीक है। एंड भुया पास के अंदर यहाँ पर मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट दिया जा रहा है, बट यहाँ पर शो करवाया जाता है पहले एक मैजिक क्यूब दिया जा रहा है। एंड जैसे ही मैंने उसको अनलॉक करके उसको ओपन किया, ओपन करने के बाद मैंने देखा एक बॉक्स के अंदर 10 मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये एक तरीके से बहुत बड़ा लोफुल है, समझ सकते हो, ग्लिच वगैरह है तो तुम लोग ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर 10 मिलेगा तुम लोगों को थोड़ा देर आ जाने के बाद, यहाँ से भी तुम लोगों को 10 मिलने वाला है, यहाँ से भी 10 मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ से भी 10 मिलने वाला है। अब 10 10 10 करके तुम लोग कलेक्ट करते जाओ, यहाँ पर 100 हो जाएगा। एंड जैसे ही 100 हो जाएगा उसके बाद तुरंत स्टोर में जाना, रिडीम वाले सेक्शन पर जाना, एंड मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट के ऊपर क्लिक करना। 100 जैसे ही हो जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है, यहाँ पर मैं एक स्क्रीनशॉट ले रही हूँ थंबनेल वगैरह के लिए, एंड और एक स्क्रीनशॉट में ले रही हूँ। तुम लोग थोड़ा स्किप मार देना वीडियो को, समझ रहे हो ना। उसके बाद एक्सचेंज के ऊपर जैसे ही तुम लोग क्लिक करोगे फाइनली ये एक्सचेंज हो जाएगा। यहाँ पर तुम लोग खुद देख पा रहे हो ये एक्सचेंज हो चुका है। सो जैसे ही एक्सचेंज हो जाएगा उसके बाद एक मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट तुम्हें मिल जाएगा। एंड मिलने के बाद यहाँ पर कोई भी बांडिल तुम लोग परचेस कर लेना। यहाँ पर सारा बांडिल अभी के टाइम पे मेरे पास है, जितने भी बांडिल तुम लोग देख पा रहे हो सब मैंने अनलॉक कर लिया है। अभी के टाइम पे मेरे पास 4 मैजिक क्यूब है। एंड अभी हम लोग बात करते हैं जेन्युइन तरीका क्या होने वाला है। सो गाइज मैं तुम लोगों को बता दूं, जेन्युइन तरीका होने वाला है अगर तुम लोग लाख रॉयल के अंदर आओगे, लाख रॉयल के अंदर आ जाने के बाद गोल्ड रॉयल के अंदर तुम लोग जाओगे, जाने के बाद यहाँ पर अगर तुम लोग स्पिन करोगे, करने के बाद तुम लोगों को कुछ मिले या ना मिले, बट मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट भैया मिलता है। ये 100% गारंटी के साथ मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ, मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट तुम लोगों को मिलेगा ही। एंड अभी तुम लोग बोलोगे यहाँ पर स्पिन करने के लिए डायमंड लगता है, भैया नहीं, यहाँ पर स्पिन करने के लिए डायमंड नहीं लगता है। स्टोर में आ जाना है, रिडीम वाले सेक्शन पे आ जाना है, FF टोकन में चले जाना है। ये जो FF टोकन है ये भी हम लोगों को फ्री में मिलता है। यहाँ पर मैं तुम लोगों को दिखा रहा हूँ किस तरीके से तुम लोग डायमंड रॉयल बाउचर ले सकते हो। थोड़ा नीचे आ जाना है, आने के बाद यहाँ पर देख पा रहे हो डायमंड रॉयल बाउचर दिया जा रहा है। सो यहाँ से मैं 2 परचेस करके भी तुम लोगों को दिखा दे रही हूँ। बहुत सारे लोग अभी के टाइम पे बोलेंगे कि भाई तू गलत दिखा रहा है या फेक दिखा रहा है, यहाँ पर देखो शो हो गया। अब जैसे ही मैं स्पिन करूँगा, स्पिन करने के बाद मुझे एक बंडल दिया गया है, दूसरा स्पिन करने के बाद मुझे कुछ नहीं मिला है। सो इस तरीके से तुम लोग फ्री का सहारा लेके तुम्हारा जो आईडी है आईडी पूरा एकदम रेयर बना सकते हो। एंड अगर तुम लोगों को जानना है किस तरीके से बहुत सारा डायमंड रॉयल बाउचर एंड किस तरीके से FF टोकन वगैरह मिलता है, इसको बोलते हैं FF टोकन, जिससे हमने अभी डायमंड रॉयल बाउचर खरीदा, इसको बोलते हैं FF टोकन। FF टोकन किस तरीके से अनलिमिटेड मिलता है अगर जानना है तो वीडियो के आई बटन में वीडियो आ रहा है, वीडियो जरूर देख लेना। एंड अभी मैं तुम लोगों को जेन्युइन तरीका बता दिया, एंड ग्लिच भी मैंने तुम लोगों को बता दिया। ग्लिच का सहारा लेके तुम लोग बहुत सारा मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट ले सकते हो। मतलब अभी के टाइम पे भुया पास के अंदर तगड़ा ग्लिच चल रहा है, ग्लिच का इस्तेमाल करो, जाओ। एंड अभी के टाइम पे हमारा गेम के अंदर जो भी इवेंट वगैरह
आ रहा है, बस वहाँ पर तुम लोगों को ध्यान रखना है, मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट वगैरह दिया जा रहा है। एंड कुछ दिन के बाद हमारा गेम के अंदर इस तरीके से एक इवेंट आने वाला है। इस इवेंट के अंदर हम लोगों को मिशन वगैरह दिया जाएगा एंड सिंपल से जैसे ही हम लोग कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद 10 10 10 करके मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट दिया जाएगा। सो आई होप कि सब कुछ मैंने तुम लोगों को इस वीडियो के अंदर बता दिया। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।